एमपी बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट दोस्तों फाइनली आने ही वाला है। चलिए चेक करके देखते हैं आया कि नहीं आया है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है रिजल्ट आने वाला था। तो दोस्तों यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन करके करेंगे, एमपी बोर्ड से डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्च बार बना हुआ है, हम क्रोम से ओपन कर रहे हैं, आप चाहें तो गूगल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फटाफट एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट। सर्च करने टाइप करने के बाद दोस्तों इसको सर्च कर लेना है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पर एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट जो है, ये एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह पेज ओपन होगा, इस तरह जो है एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट का मेन पेज है। यहाँ पे आपको रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है शुरू में, ये जो शुरू में ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको टैप करना है, आपको टच करके मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे रिजल्ट पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह, तो यहाँ पर रिजल्ट पे तो कुछ इस तरह प्रचार ऐड आएगा, इसको ऐड कट कर देना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्रैल 2024 एमपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2024 यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहीं पे प्रेस कर देना है आपको। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह एक इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह पेज ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना नहीं है। और नीचे आके देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं डायरेक्ट इम्पोर्टेंट लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो प्रथम नंबर पे देख पा रहे हैं चेक रिजल्ट 10th का है, चेक रिजल्ट 12th का लिंक क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे, और जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो देख पा रहे हैं ये जो है, तो फाइनली दोस्तों इस तरह पेज आपको खुल जाएगा देख पा रहे हैं एमपी बोर्ड का। इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। जैसे आप अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।